ज्ञानवापी मामले पे सुनवाई बनारस की कचहरी में हो रही थी। ये पहली सुनवाई थी 7/11 पे निर्णय आने के बाद। इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर आज इस मामले में कचहरी में? आज विपक्षी द्वारा सबसे पहले 8 सप्ताह का लिंगर करने के लिए समय मांगा गया। उनकी नीति सदैव से रही कि लटकाओ भटकाओ अटकाओ, परंतु न्यायाधीश महोदय ने कहा कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है, इस नाते मैं आपका ये सुनूंगा नहीं और इस विषय पर ये मुकदमा प्रोसीड करेगा, चलेगा, आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। और दूसरी एक बड़ी बात थी कि 16 लोग इसमें पार्टी बनने के लिए अप्लीकेशन दिए थे, उनको जो लोग न्यायालय में उपस्थित थे उसमें कुल 9 लोग थे, एक व्यक्ति ने नॉट प्रेस किया मुकदमे को, कहा कि मुझे मेरे वाद को बलहीन किया जाए, मैं इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता हूं। बाकी 8 लोग उसमें शामिल हुए, उनके खिलाफ़ हमने अप्लीकेशन दे रखी है कि उनको बाहर किया जाए, क्योंकि इस मुकदमे में इतने लोग आके उसको मुकदमे का जो नेचर है इसको चलने का, उसको विकृत करना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अवरोध खड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के मनसा पर पानी फिरे। और साथ में कार्बन डेटिंग की मांग की गई, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने उसको भी एडमिट कर लिया। अच्छा, ये मामला तो श्रृंगार गौरी का है, तो ये जो 16 लोग आना चाहते थे वादी पक्ष से, तो ये लोग क्या यही मांग इनकी भी? मुकदमे में जो 5 वादी महिला है उन्हीं के साथ अपने को महसूस कर रहे थे कि मैं भी उसमें पार्टी बन के अपना इसमें बहती गंगा में हाथ धोना चाहता हूँ। इससे हिंदू पक्ष को कुछ लाभ होता? नहीं, उसमें इतने लोग आके उसका बितंडावाद खड़ा करते, विकृत करते, इसलिए अच्छा हुआ कि 8 ही लोग अभी शामिल हैं, इनको भी हटाने के लिए माननीय न्यायालय से हमने निवेदन कर रखा है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो 8 हफ्ते का समय मांग रहा था, क्यों मांग रहे हैं वो? वो उनकी मनसा कुछ क्लियर थी, वो तो बात पे अप्लीकेशन दे के इस मुकदमे को लटकाओ भटकाओ अटकाओ के नीति पे चलते हैं, वही उनकी मनसा थी और कोई नहीं था। उसमें कोई सुसंगत न्याय प्राप्त करें ऐसा कोई बात नहीं थी। वो कह रहे हैं कि हमको चैलेंज करना है, जो 7/11 पे निर्णय आया है चैलेंज करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कौन चैलेंज करने से उनको रोका है? और सबसे बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में मुकदमा चल रहा है, तो उनको मानना चाहिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला वो लोग दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की आज लिटरली व्याख्या करके बता दिया गया कि आप जो अपने अनुसार इसकी व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है। वो क्या कह रहे थे और कोर्ट ने क्या बोला? उनका मानना था कि ये जो 17 मई का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था वो हमारे पक्ष में, उसके अनुसार मुझे 8 सप्ताह का समय दिया जाए। और उसके दूसरे तरफ हमने कहा कि नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं है, माननीय न्यायाधीश महोदय उसको पढ़ के कहे कि नहीं, वो मुझे कहा गया था कि 8 सप्ताह में 7/11 को डिसाइड करेंगे। 7/11 8 सप्ताह का? जी जी। अच्छा, अब जो सुनवाई होगी क्या वो नियमित प्रतिदिन वाली पे बढ़ रही आगे कि ऐसे चलता रहेगा? नहीं, अभी माननीय न्यायाधीश ने 29 सितंबर का तिथि दिया, उसके बाद ही इसको हम लोग तो निवेदन करेंगे डे बाई डे टू डे सुना जाए। सुनने में तो ये अर्थ ना कि डे टू डे नहीं, अभी वो तो 29 को डेट दे दिए इसलिए बनेगा वो समय। जी, ये कार्बन डेटिंग की जो बात है वो क्यों मांग की गई है हिंदू पक्ष से? हाँ, हमारे द्वारा कार्बन डेटिंग की मांग की, और इसमें हमने चाहा कि आप कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो शिवलिंग प्राप्त है उसका डिसाइड हो जाए कि ये क्या है, कब का है, कितने 1000 वर्षों का है, कितने 100 वर्षों का है, ये डिसाइड हो जाए, जिससे बतौर साक्ष्य शिवलिंग का हमें प्रमाणिक आधार पर जो ब्रह्म वैवर्त पुराण या शिव महापुराण में वर्णन है शिवलिंग का, तो उसके संदर्भ में हम और भी प्रमाणिक ढंग से माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात कह सकें। अच्छा, जो शिवलिंग होता है, जो मान लीजिए पत्थर का बना है, तो पत्थर तो पुराना ही होगा, तो वो पता नहीं कितना पुराना जाएगा पत्थर। पहली बात तो जानिए कि हम आम धारणा है कि पत्थर मृत होता है, ऐसा नहीं है, पत्थर में भी प्राण होता है, और उसको उसमें जो रंध्राकाश होता है, परमाणु उसके अणु होते हैं, आपस में हमेशा स्पंदन करते रहते हैं, इसीलिए कहा गया कि एनामेल पेंट कभी नहीं कराना चाहिए पत्थर पे। कभी काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा तरह पेंटिंग करा दी गई थी तो उस पर बड़ी आपत्ति हुई थी, याद होगा, तो इस नाते वो पत्थर सांस लेते हैं और उसके आधार पर उनकी जो आयु है उसका निर्धारण होता है कि कितने 1000 साल हैं, का है, कब का है, स्थापित है, ये क्लियर इससे होता है। नहीं, स्थापित का तो पता चलेगा वो ठीक है, लेकिन पत्थर तो बहुत पुराना मिलेगा कि किसी पहाड़ का है तो? जी, वो मालूम हो जाएगा किस उसका, एक प्रकार से कार्बन डेटिंग के माध्यम से मैं कहूँगा कि वो DNA टेस्ट होता है किसी पत्थर का, वो कहाँ से निकला है, कहाँ पे है, कौन से है। जैसे मिर्ज़ापुर में पाया जाने वाला 2 प्रकार का पत्थर है, उसको सैंड स्टोन कहते हैं, बलुआ पत्थर कहते हैं, उसमें लाल भी होता है और
बादामी भी दोनों कलर का होता है, इसलिए ये बातें हैं। अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी, क्या होगा उसमें? उसमें हमें जहाँ तक आशा है कि उस दिन माननीय न्यायाधीश महोदय इनको इंटरटेन करते हुए, जो अनावश्यक इसमें कूद के हंगामा खड़ा करना चाहते हैं और आटा पोत के भंडारी बनना चाहते हैं, उनको बाहर करेंगे प्रथम। और दूसरा कार्बन डेटिंग की बात है, उसको भी माननीय न्यायाधीश इंटरटेन करेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोग कब तक अपेक्षा कर सकते हैं कि निर्णय जो है फाइनल श्रृंगार गौरी पे या मंदिर पे ही कब तक आ जाए? इस संपूर्ण पटिशन का जैसा चल रहा है, मुझे लगता है कि 2025 तक आशा रखिए जी। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो इस प्रकार की बनी हुई है कि वो हमें बहुत तीव्र गति से यहाँ काम नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको भारत में बनाया था कि इसको जो हुकूमत करनी है तो इन लोगों को कानून के चंगुल में उलझाए रखो, जिससे कि लंबी समय तक हुकूमत की जाए, न कि हमारी जो प्राचीन विधि संहिताएँ थी उनके अनुसार ये कानून बने, तो शीघ्र न्याय प्राप्त हो, ऐसा नहीं। आज का बहुत अच्छा रहा, हम लोग का पक्ष में फैसला आएगा इसका हम लोग को विश्वास है। सबसे पहले तीन पक्ष रखा गया था, सबसे पहले इसमें 16 लोग शामिल होना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चारों महिलाएं सशक्त हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, वो लोग पीछे सपोर्ट करें, लेकिन हम लोग इसमें नहीं चाहते कोई याचिका डाले। उसके लिए 8 लोगों का नाम माननीय न्यायाधीश ने अपना लिखा हुआ है, 8 लोगों का नाम, वो 29 तारीख को वो फैसला करेंगे कि शामिल होंगे कि नहीं। दूसरा था कार्बन डेटिंग का, कार्बन डेटिंग में क्या होगा, जो हम लोग के फव्वारा, जो हम लोग के शिवलिंग को ये लोग बार बार फव्वारा कह रहे हैं, हम लोग के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, वो सच सामने आ जाएगा। कार्बन डेटिंग होगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन लोगों ने 8 हफ्ते का टाइम मांगा था, वो टाइम माननीय न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया, क्योंकि ये लोग सिर्फ समय पास करना चाह रहे, किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग को चाह रहे कि इसी तरह टाइम पास करते रहे और वो जो है तारीख आगे बढ़ती रहे, लेकिन 29 तारीख को फैसला आ जाएगा। अच्छा, कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग तो जैसे पत्थर का है तो बहुत पुराना मिलेगा वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो दादा जो थे एक शामिल, वो बाबा विश्वेश्वर है, नीचे माँ आधा भी मिलेंगी, वो काफी बड़े में नीचे जब उसका हटाया जाएगा, कार्बन डेटिंग होगा तो उसका पूरा सच सामने आ जाएगा। आज जो ये लोग बोल रहे हैं हमारे शिवलिंग का बार बार मजाक उड़ाते हैं, हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हमारे आस्था का मजाक उड़ाते हैं, वो सच उनके मुंह पे जूता पड़ेगा, क्योंकि लिमिट में, क्योंकि ये जो है सच सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग पे कुछ हुआ आज न्यायालय में? नहीं नहीं, कार्बन डेटिंग में 29 तारीख को डेट रखी गई है, अब जो भी फैसला आएगा न्यायालय बताएगा। मुस्लिम पक्ष पीछे क्यों हट रहे, इतना समय क्यों मांग रहे, क्या बोल? क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, वो लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं और बस वही मांग कर बार बार रख रहे हैं अपनी। तो 8 हफ्ते का समय मांगा उन्होंने, मांगा तो वो खारिज कर दिया गया है। 16 नहीं नहीं, हम लोग चारों बहनें लड़ने में सक्षम हैं और हम किसी को अपनी लड़ाई में नहीं डालने चाहते हैं, और ये लड़ाई हमारी खुद की लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे। बस हम अब लोगों का आशीर्वाद मांगते हैं और यही चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद, हमारे देव के देव महादेव हमारे साथ हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम लोग चारों सक्षम हैं अपनी लड़ाई के लिए। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं? नहीं, वो हम किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? अब श्रेय लेने के लिए, हम लोग के साथ अपना श्रेय लेने के लिए कि हम लोग इसमें घुस जाएंगे तो हम लोग को भी श्रेय मिलेगा, हम लोग को भी मीडिया में जाना होगा, उछरना होगा। मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, फल लोग खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इतना दिन से तो नहीं खा रहे थे, अब क्यों खा रहे हैं आप लोग? इसीलिए हम लोग उन लोगों को उखाड़ के फेंकना चाह रहे हैं। क्या अब लग रहा है कि निर्णय जो एकदम पक्ष में आने वाला है उनको भी लग रहा है क्या? 29 को पता चलेगा, 29 तारीख को जो न्यायालय हमारे फैसला बताएगा हम लोग स्वीकार करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।